हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ। लेकर आया हूँ आपके लिए स्कोडा सुपर का एक्चुअल शोरूम लुक, हाउ द कार लुक्स इन द शोरूम। तो जैसे आप देख रहे हैं, स्कोडा सुपर का नया मॉडल है, 2017 एडिशन है। शुरू हमेशा की तरह हम लोग कर रहे हैं इसके फ्रंट लुक से। तो सामने जो ग्रिल है स्कोडा की, वो हमेशा से ही बहुत अट्रैक्टिव रहती है, पूरी क्रोम बेस पर रहती है। वैसे आपको इसमें भी मिल जाती है, नीचे आपको पूरी एक क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है, जो आपके जो लैम्प्स हैं नीचे वाले, आपके जो फॉग लैम्प्स हैं उसमें आपको ये पूरी अटैच्ड मिलती है नीचे। तो काफ़ी अच्छा और प्यारा लुक देती है, कि स्माइलिंग फेस पूरा देती है गाड़ी का। ऐसे अगर आप साइड्स की बात कर लेते हैं, तो पूरा आपको ब्लैक्स फिनिश जो मिलती है गाड़ी की, बहुत ही अच्छी पेंट क्वालिटी ऐसे ही आपको देखने में मिल जाती है। चलते हैं दोस्तों पास में गाड़ी के, और पास से देख लेते हैं कि इसकी हेडलाइट्स वगैरह कैसी। जैसे आप देख रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प पे आपको मिल जाता है, जो डिज़ाइन एक्सटेंशन है पूरा एक हेडलाइट का, वो नीचे तक आपको मिलता है, जो काफ़ी एक अच्छा फीचर और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन फ्रेम लगती है। एज अ होल पूरा लुक दे देता हूँ गाड़ी का, कि पूरी गाड़ी कैसी लगती है देखने में। तो ये आप पूरा साइड प्रोफाइल देख रहे हैं गाड़ी का, तो एक लुक ले लीजिए पहले, उसके बाद चलते हैं इसके व्हील्स की तरफ। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पूरा ये डल सिल्वर फिनिश पे दिया गया है। उसके बाद अगर ORVM की बात करते हैं, तो आपको बॉडी कलर पे पूरे ORVM मिल जाते हैं। साथ में आपको इसमें इंडिकेटर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं, जो एक अच्छा एडिशन है, गाड़ी को ओवरऑल बहुत प्यारा लुक देता है। बात कर लेते हैं क्रोम के इस्तेमाल की दोस्तों, तो पूरा आपको क्रोम जो है पूरा विंडो लाइन में, पूरा नीचे ऊपर से लेकर साइड तक पूरा क्रोम मिलता है। काफ़ी कुछ बॉर्डर मिल जाता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। चलते हैं दोस्तों साइड में इसके गाड़ी के पीछे की तरफ। तो ये आपका जो हेलनेट हो गया फ्यूल का, वो आपको मिल जाता है इधर पीछे की साइड। हम लोग आ गए गाड़ी पीछे से, देख लेते हैं कि कैसी लगती है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं पुरानी वाली से। तो जैसे देख रहे हैं, ये इसका बैक लुक है गाड़ी का, स्कोडा सुपर का। नीचे आपको स्कोडा की जो पूरी बैजिंग है वो क्रोम पे, और सुपर की पूरी बैजिंग क्रोम पे मिल जाती है। लाइट्स में क्या क्या चेंजेस हैं अगर देख लें आप यहाँ पे, तो बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगती है पूरी देखने में। और ये पूरी आपको LED पैटर्न पे मिल जाती है, जो काफ़ी पावर एफिशिएंट भी रहेगी। ये आपकी जो पूरी रेड फ्रेम पे दी गई है, जो आपकी ब्रेक लाइट है, बाकी आपकी जो इंडिकेटर्स और गियर लाइट हो गई बैक गियर की, वो आपको पूरी ट्रांसपेरेंट पे मिल जाती है। तो दोस्तों इसका पहले बूट खोल के देख लेते हैं कि अंदर कितनी स्पेस मिल जाती है इस गाड़ी में। तो लेट्स ओपन द बूट। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसका बूट खोल दिया है। तो जैसे आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ से पूरी आपकी जो पूरी रेल लाइन होती है पीछे की, जो विंडो होता है आपका बैक विंडो, बैक आप इसको बोल सकते हैं, तो पूरा ओपन होता है। तो आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है पूरी, जैसे आप देख सकते हैं किसी हाई एंड लग्जरी कार में जैसे आपको मिलती है, वैसे आपको पूरी स्पेस मिल जाती है। बहुत ही स्पेशियस है गाड़ी पूरी। और अगर कैपेसिटी की बात करें, तो आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका इसमें सामान आ जाएगा। शायद पूरा एक फुल फ्लेश्ड इंसान इसमें लेट जाए आराम से। और जो लाइट्स वगैरह हैं, वो आपको इसमें मिल जाती हैं पूरी, जो आपकी रात वात में आपको बहुत हेल्प करेंगी सामान वगैरह रखने में। और अगर पीछे की बात कर लेते हैं, तो करीब करीब मेरे हिसाब से 4 या 5 आपके जो ट्रैवल बैग्स हैं, वो आराम से आ जाएंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ, चलते हैं दूसरी साइड दोस्तों। दूसरी साइड से देख लेते हैं गाड़ी में क्या चेंजेस मिल जाते हैं ऑपोजिट साइड से। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई आपको ग्राफिक वर्क या कुछ अलग से एडिशन नहीं मिलता है इसमें। चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और देख लेते हैं आगे। तो दोस्तों ये इसका था एक्सटीरियर लुक स्कोडा सुपर 2017 का। अब चलेंगे अंदर, देखेंगे इंटीरियर में आपको इसमें क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या नया मिल जाता है, और कितना पैसेंजर कंफर्ट आपको इस गाड़ी मिलता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गो इनसाइड ऑफ द कार। तो दोस्तों हम लोग स्कोडा सुपर के अंदर आ गए हैं। पहले एज अ होल लुक ले लीजिए पूरे इसका जो फ्रंट कंसोल है। तो जैसे एक फर्स्ट फील आती है गाड़ी को देख के ही, वाव फीलिंग आती है पूरी। और एक बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी है, और मतलब ओवर द टॉप बिल्कुल हर चीज़ आपको मिलती है इसमें। क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी, जैसे आपको इसकी फील से ही, आप जो इसको देख रहे हैं कैमरे के थ्रू मेरे, वैसे ही आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, कुछ कोई एक अच्छी और हाई एंड चीज़ आप देख रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जो मेन मीटर्स हैं पहले। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका RPM मीटर हो गया, ये आपका स्पीडोमीटर हो गया। बीच में आपको छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पे अपना टेम्परेचर, किलोमीटर्स डन वगैरह, रेंज वगैरह, कितनी ट्रैवल कर सकती है गाड़ी इस फ्यूल कैपेसिटी में, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं साइड में, जो इसके बॉर्डर्स में जो ये सर्कुलर डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और जो अगर बात करते हैं दोस्तों इसके जो पैडल्स दिए हुए हैं, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको जो पूरा लाइट्स वगैरह का पैडल मिल जाता है, इधर आपके जो पूरे वाइपर वगैरह हैं उसका पूरा पैडल मिल जाता है। उसके बाद देख रहे हैं आपको इसमें जो आपका गियर है, वो पैडल शिफ्टर्स के तौर पर भी आप लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एडिशन है ये। वैसे भी आप जानते हैं स्कोडा की गाड़ी हमेशा हाई एंड रहती है फीचर्स के मामले में, तो बहुत ही अच्छा एडिशन है कि आपको पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जो आपकी गियरिंग काफ़ी आसान कर देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो जो क्वालिटी आ रही है पकड़ने में गाड़ी की, और जो मतलब स्टीयरिंग का फील आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ करी गई है, बहुत ही अच्छी यूज़ करी गई है। इसमें आपको कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं स्टीयरिंग के ऊपर, जैसे कि आपका वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, ट्रैक वगैरह चेंज करना है आपको, बाकी आपकी फ़ोन टेलीफोनी के सारे आपको जो आपके फीचर्स हैं और जो बटन हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको एयरबैग का मॉडल है ये, जैसे एयरबैग देख रहे हैं, हाई एंड गाड़ी है तो एयरबैग तो आपको मिल रही है। उसके नीचे आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है, जो ओवरऑल इसकी फिनिश देता है, जो इसके लेबल से, जो इसका जो ब्रांड लोगो है, जो पूरा क्रोम पे दिया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में।
बात कर लेते हैं इसके डोर की दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पूरा ये जो आपके ऑटो विंडो दिए गए वन टच अप डाउन करने के लिए वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाकी आपके जो आरवीएम एडजस्ट करने के लिए बटन्स मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी जो लाइट वगैरह एडजस्ट करना वो आपको यहाँ पे पूरा एक स्विच मिल जाता है, जो एक अच्छा एडिशन है। अब ऊपर की अगर एसी वेंट्स की बात करें दोस्तों, तो आपको पूरा यहाँ पे जो डिज़ाइन है आपको मिल जाता है पूरा क्रोम पे साइड में, और काफ़ी एक लार्ज एसी वेंट मिलते हैं, तो एयर फ्लो आपको बहुत अच्छी मिलेगी इस गाड़ी में। बात कर लेते हैं ऊपर के मटेरियल की, तो जैसे कि मैं प्लास्टिक स्ट्रेस कर रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया। सॉफ्ट मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, हाई एंड गाड़ी है तो कंपनी को बनता है उसी हिसाब से चीज़ें यूज़ करना है इसमें। उसके अगर दोस्तों बात कर लेते हैं इसका जो मिडिल कंसोल है, मिडिल कंसोल देख लेते हैं, तो पूरा आपको एक लॉन्ग फ्रेम में पूरा एसी वेंट्स मिल जाते हैं दो, पूरा एक क्रोम से पूरा बॉर्डर दिया गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। नीचे आते हैं, जो मेन इसका हाईलाइट है जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा वो है इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है, फुल टच पे मिलता है। उसके बाद आपको जो बटन कंट्रोल्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी जैसे एंड्रॉयड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, वो आपको इसमें मिल जाता है। आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन हो, एप्पल फ़ोन हो, वो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारे फीचर्स देख अपने फ़ोन के ले सकते हैं, नेविगेशन ले सकते हैं, अपना म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, जो भी आपको एक फ़ोन की फंक्शनलिटी होती है वो सब इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपका मीडिया हो गया, ट्रैफिक हो गया, वो तो आपका डिपेंडेंट है, जो आपका GPS वगैरह है उसको आप लगा के इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक ओवरऑल जो हाई एंड फीचर्स एक इंफोटेनमेंट सिस्टम में होने चाहिए वो सब आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। बाकी आपको साइड्स में बटन कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, साथ में आपको जो एक क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं बहुत ही प्यारा लगता है, और ओवरऑल डिज़ाइन इसकी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। अब दोस्तों अगर बीच में आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो आपका पूरा ये एसी कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे, जो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मॉडल है, तो आपको पूरा ये एसी कंट्रोल मिल जाता है। काफ़ी रोटरी फॉर्म में आपको बटन्स मिल जाती हैं, क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। इसके अगर नीचे चलते हैं तो आपको छोटी सी यहाँ पे जगह मिल जाती है, थोड़ा बहुत अपना सामान भी रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक आपकी पूरी ये आगे फ्लो है पूरा इसका, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इधर आप देख रहे हैं आपका तो पूरा ये ऑक्स मिल जाता है, USB मिल जाता है, और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा एडिशन है। उसके अलावा थोड़ी सी जगह आपको यहाँ मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा एडिशन मुझे लगा, और बहुत ही प्यारे लुक पे पूरा दिया गया। जैसे आप देख रहे पूरा फ्लोइंग डिजाइन में पूरा आता है, पूरा मैच करता है जो इसका फ्रंट कंसोल है, पूरी फ्लोइंग डिजाइन लगती है देखने में। बात कर लेते हैं इसके गियर बॉक्स की, जो आप देख रहे हैं ये DSG गियर बॉक्स आपको मिल जाता है, जो स्कोडा का बहुत ही पॉपुलर गियर बॉक्स है। इसमें आपको जो आप चाहें तो इसको मैनुअल में चला सकते हैं या फुल इलेक्ट्रॉनिक मोड में चला सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ एक हाई एंड लग्जरी को ध्यान में रख के बनाई गई। यहाँ पे भी आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में, जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है प्लास्टिक्स की। इसको खोल लेते हैं तो आपको 2 यहाँ पे कप होल्डर्स, बल्कि 3 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो इसका ग्लव बॉक्स है, तो अगर आप बात करते हैं तो इसमें अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपका आराम से थोड़ा बहुत सामान इसमें आ जाएगा, और आपको इसको बंद करते हैं तो ये आपका हैंड डस्ट का भी काम करेगा। अगर आप बात करते हैं एज अ कम्फर्ट की, आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो आपको ये बहुत कम्फर्टेबल लगेगा ज़रूर। इसकी टच ड्राइव लेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कितना कम्फर्टेबल है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। बाकी अगर बात कर लेते हैं इंटीरियर फीचर्स की, तो आपको इसमें सनरूफ भी मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये खोल दिया है, तो सनरूफ भी मिल जाती है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया, काफ़ी वाइड सनरूफ मिलती है आपको इसमें। बात कर लेते हैं जो इसका ग्लव बॉक्स है दोस्तों, तो ये लाइट आपको इसमें अंदर मिल जाती है, और लाइटेड ग्लव बॉक्स है, और काफ़ी अच्छी खासी स्पेस इसमें है, और आपको काफ़ी सामान इसके अंदर आराम से आपका आ जाएगा। काफ़ी चौड़ा और काफ़ी ब्रॉड आपको दिया गया है ये। इसको बंद कर देते हैं दोस्तों और देख लेते हैं थोड़ा पैसेंजर साइड का, तो जो क्वालिटी है मटेरियल की वो तो मानी हुई बात है कि आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी इसमें, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही हाई एंड और लग्जरी कार है ये जो स्कोडा की ये सुपर्ब है। जो मटेरियल क्वालिटी है बहुत ही अच्छी, पूरा फुल फ्लेज लेदर, जो मुझे स्मेल आ रहा है लेदर का बहुत ही प्यारा आ रहा है, तो आप भी ज़रूर इसकी टच ड्राइव लेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें आपको फीलिंग आएगा इसका। बात कर लेते हैं जो आपके ग्रैब हैंडल्स हैं, पूरे आपको बॉडी कलर पे मिल जाते हैं, डबल टोन में पूरा इंटीरियर दिया गया है यहाँ पे, ये आपको पूरा ब्लैक और बेज में मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इसके अलावा जो एक स्पेस की बात करते हैं, तो आपको बहुत ही ब्रॉड फीलिंग आती है पूरी गाड़ी में, और आप इसको जब जाएंगे टेस्ट ड्राइव के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका। दोस्तों ये था जो मेरा, मैंने आपको पूरा फ्रंट कंसोल दिखाया है स्कोडा सुपर्ब का 2017 एडिशन का। अगर आप चलते हैं पीछे से देख लेते हैं कि जो पीछे पैसेंजर्स को कैसा कंफर्ट मिलने वाला है गाड़ी में। जैसे जनरली आप जानते हैं इसको गाड़ी ये शॉफर ड्राइवर रहने वाली है, जो ओनर होगा 90% पीछे ही बैठेगा। तो चलते हैं पीछे देख लेते हैं कि गाड़ी में आपको कैसी जगह और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों पीछे चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपका जो सीट मूव वगैरह करने का पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाता है। जैसे आपको आगे मूव करनी है तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन है। हाई एंड लग्जरी कार में ये सब फीचर्स होने चाहिए, वो सब आपको इसे मिल जाते हैं। बाकी आपकी जैसे सीट की मूवमेंट हो गई, वो भी आप एक बटन के फॉर्म में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सीट आगे आ रही, पीछे कर रही है आपको, तो पीछे कर सकते हैं ऐसे आप। तो ये बहुत ही अच्छा एडिशन है, पूरा मैंने डिस्प्ले कर दिया आपको पूरा ही फंक्शनैलिटी। अब दोस्तों इसके अलावा जो है आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको सेट का फंक्शन मिल जाता है, तो उसमें 3 सेटिंग तक आप पूरी इसमें सेव कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके घर में फैमिली मेंबर हैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बस आपको प्रेस करना है, सीट अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी उसी फॉर्म में। चलते हैं पीछे से देख लेते हैं गाड़ी में कितनी स्पेस वगैरह आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अब मैं स्कोडा सुपर्ब के पीछे आ गया हूँ, मैं पीछे से आपको पूरा ये फ्रंट कंसोल इसका दिखा रहा हूँ, तो फील तो आपको आ ही गया होगा कि बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी है।
बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी के बारे में चाहिए होगी वो तो मैं नीचे हमेशा की तरह लिंक दूंगा कंपनी का, वहाँ जाके आप इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी बुक कर सकते हैं और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं पीछे के कंफर्ट की और पीछे क्या आपको मिल जाता है, तो जैसे आप देख रहे हैं लेग रूम तो बहुत ही इमेंस है, सीट थोड़ी सी आगे की है लेकिन मैं यहाँ तक भी एडजस्ट करता हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है तो मुझे आगे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आपको पूरा इंटीरियर मिलेगा। पीछे अगर आप देखते हैं आपको तो यहाँ पर पूरा एक एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इसमें भी आपको पूरा क्रोम का जो साइड्स मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने, पूरी पियानो ब्लैक फिनिश है जो पूरी आगे से कैरी करी गई है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है मोबाइल वगैरह कुछ पिछले पैसेंजर्स उनको चार्ज करने के लिए। इधर आप देखते हैं तो आपको थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए। दोस्तों पीछे की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें सनब्लाइंड भी मिल जाते हैं पिछले पैसेंजर्स के लिए, जो एक अच्छा एडिशन मुझे लगा क्योंकि मैंने आपको बताया शॉफर ड्रिवन गाड़ी है, यहाँ पे अपना सूट्स वगैरह आपको कुछ रखना है तो वो भी आप यहाँ पे टांग सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये दिया गया है फीचर। उसके बाद अगर पीछे के कंफर्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको जो ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारा मटेरियल यूज़ किया गया है पूरी गाड़ी में। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जो पिछले पैसेंजर्स के लिए आपको पूरा ये जो एक बड़ा सा और चौड़ा सा आपको ये हैंडरेस्ट मिल जाता है, बीच में आप अपना शायद ये मोबाइल वगैरह लगाने के लिए आपको पूरा ये दिया गया है यहाँ पे। बाकी इसका आप साइज़ भी जैसे चाहें वैसे बढ़ा सकते हैं इसको, जैसे मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ तो ये आपको जो साइज़ है ये साइज़ इसका बढ़ गया है, तो आप इसमें चाहें तो अपने बड़े आईपैड वगैरह भी लगा सकते हैं, तो जिस हिसाब से भी आपको एडजस्ट करना है अपना कौन सा भी गैजेट तो आप कर सकते हैं। बाकी आपके जो जो कप होल्डर्स का स्पेस है वो भी आपको मिल जाएगा, जब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे वो भी दिया हुआ है इधर। अब बाकी दोस्तों इसको हटा देता हूँ मैं, अब की बात कर लेते हैं कि की में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये आपका लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया, बाकी बूट खोलने के लिए आपको इसमें बटन मिल जाता है, पीछे आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। तो दोस्तों जो मुझे ओवरऑल फील आया गाड़ी का वो बहुत ही लग्जूरियस आया, तो डेफिनेटली आप जाइए स्कोडा के शोरूम में, उसको ज़रूर एक टेस्ट ड्राइव दीजिए अगर आप दिवाली पे लेने का सोच रहे हैं कोई गाड़ी, हाई एंड गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है गाड़ी में, जो फ्रंट इंटीरियर और जो ओवरऑल इंटीरियर का एम्बियंस है वो बहुत ही प्यारा है, और जो आपको सामने से जैसे दिख रहा है जो पूरा ओवरऑल जो क्वालिटी यूज़ करी गई मटेरियल की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुपर है, जैसे गाड़ी का नाम सुपर है वैसे ही आपको इसकी पूरी क्वालिटी मिल जाती है, चाहे वो उसका एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटीरियर हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।